Hello friend, in this video we will discuss about a very kind request to you. Please subscribe the channel and hit the bell icon for further updates. Hello student, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक तो कि नीट एग्जाम जो हुई थी अभी उसमें मिनिमम 96 मार्क्स लाने वाले स्टूडेंट को कैसे एडमिशन मिल गई है, कैसे सीट मिल गई है, और दूसरी बात करेंगे हम लोग वन बाय वन जो कट ऑफ रैंक है स्टेट का कैटेगरी वाइज जो फर्स्ट काउंसलिंग में आया है उसके बारे में. तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो अभी. सो एक्चुअली मेडिकल की प्रवेश परीक्षा जो थी उसमें 720 में से केवल 96 अंक हासिल करने वाले SC कैटेगरी के स्टूडेंट को इस साल प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में मिल गई है. और इसका रीज़न भी एक काफ़ी इजी है क्योंकि इस बार हुआ क्या कि जितने भी स्टूडेंट थे उन्होंने सारा फोकस किया है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के. पहली बार फर्स्ट काउंसलिंग में जितने भी स्टूडेंट थे वो ट्राई करते हैं कि मेरा गवर्नमेंट मेडिकल में हो जाए. इस वजह से जिन स्टूडेंट ने अपना देखा कि मेरा तो रैंक कम है उस वजह से उन्होंने जो प्राइवेट कॉलेज पर फोकस किया इस वजह से ही उनको ये 96 मार्क्स होने के बावजूद भी एडमिशन के लिए उनको सीट बुक हो गई है. तो चलिए देखते हैं कैसे उसके बारे में और पता करते हैं और आपको स्टेट के बारे में भी बताते हैं. अगर बात करें कि कैटेगरी वाइज कि कितने अंकों पर कितने मार्क्स पर हमें MBBS सीट इस बार जो मिला है फर्स्ट काउंसलिंग के थ्रू. सो बात करते हैं प्राइवेट मेडिकल कॉलेज स्टेट कोटा के बारे में बात करेंगे. सो स्टेट कोटा के बारे में अगर बात करें जनरल कैटेगरी के बारे में ओपन कैटेगरी के बारे में तो कट ऑफ रैंक गया है 426. जनरल वुमेन के बारे में बात करें तो 440 था. SC वुमेन के बारे में बात और SC ओपन के बारे में पहले बात कर ले तो SC ओपन के बारे में है ये 96 कट ऑफ गया था. SC वुमेन के बारे में बात करें 150. ST ओपन के बारे में बात करें तो 227 है. ST वुमेन के बारे में बात करें 261. OBC ओपन के बारे में अगर बात करते हैं तो 378. और OBC वुमेन के बारे में बात करें तो 375. अगर बात कर ले सरकारी मेडिकल कॉलेज जो कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के बारे में तो जनरल कैटेगरी के बारे में बात करेंगे तो 495 मार्क्स. जनरल वुमेन के बारे में बात करें 501 मार्क्स. SC ओपन कैटेगरी के बारे में बात करें 318. SC वुमेन के बारे में बात करें तो 324. ST ओपन के बारे में बात करें 345. ST वुमेन के बारे में बात करें 346. OBC ओपन के बारे में बात करें 457. OBC वुमेन के बारे में बात करें 465. अगर बात कर लेते हैं BDS स्टेट कोटा के बारे में सो जनरल ओपन के लिए है 195 मार्क्स. जनरल वुमेन के लिए 293 मार्क्स. SC ओपन के लिए 101 मार्क्स. SC वुमेन के लिए 118 मार्क्स. ST ओपन के लिए 97 मार्क्स. ST वुमेन के लिए 121 मार्क्स. OBC ओपन के लिए 122 मार्क्स. OBC वुमेन के लिए 121 मार्क्स. सो अगर ऑल इंडिया मैनेजमेंट कोटे की बात करें तो MBBS कट ऑफ था है एक्चुअली 468 और BDS कट ऑफ है 135. तो ये सीट काउंसलिंग फर्स्ट के बारे में हमने बात किया राउंड वन के बारे में. और बात कर लेते हैं हम लोग ज़रा अगर बात कर ले थोड़ा एडमिशन के बारे में तो आपको बता दूँ कि अब 12 जुलाई तक आपको एडमिशन ले लेना है. प्रदेश में MBBS और BDS की जो सीट्स है शुक्रवार को एडमिशन शुरू हो जाएगी. इन सीटों पर 12 जुलाई तक दाखिला लिया जा सकता है. दरअसल ज़्यादातर छात्रों ने चॉइस में सरकारी मेडिकल कॉलेज डाल दिए थे और जो स्टूडेंट जो थोड़ा गरीब कैटेगरी में आ रहे लेकिन बहुत मेहनती थे काफ़ी मेधावी छात्र थे उन्होंने सरकारी कोटे में सस्ती पढ़ाई के लिए सरकारी मेडिकल कॉलेज को चुना जबकि निजी मेडिकल प्राइवेट जो है मेडिकल कॉलेज में फीस पर स्पंजस के बीच में राज्य कोटे की सीट पर कम उत्साह दिखा. इस वजह से सरकारी कॉलेज की सीटों पर मुकाबला जो था वो मुश्किल हो गया और SC ओपन की कट ऑफ 318 अंकों पर पहुंच गई जबकि प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में राजकोट की सीटों पर कट ऑफ महज 96 तक आ गया. तो ये सब इस बार हुआ है. सो आई होप आप में से काफ़ी लोगों को इस बार सीट बुक हो गया होगा. अगर नहीं भी हुआ है तो उम्मीद मत हारे अभी सेकेंड राउंड में आपको हो जाएगा. मेरा बेस्ट विशेष आप लोग के साथ. एक काइंड रिक्वेस्ट है अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो इन्फॉर्मेशन चाहिए इससे रिलेटेड तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब कर दीजिए सो दैट आपको रियली हेल्पफुल हो ये वीडियो. और थैंक यू
आपको इतना प्यार देने के लिए. मैं मृत्युंजय कुमार, आप देख रहे थे मेरा ट्यूटर चैनल. थैंक्स अ लॉट. थैंक यू सो मच.